हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 11 के टॉप बेस्ट कैमरा सेटिंग्स के बारे में। 2024 में आपको इन सेटिंग्स को ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए अगर आप आईफोन 11 को बाय कर रहे हो या ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कैमरा सेटिंग्स तो ऐसी होती हैं अपने डिवाइस के लिए जो कि आपके बैटरी को भी सेव करें और साथ में आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो ये सेटिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस, कैमरा सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स की एप्लीकेशन को ओपन करना है और जैसे ओपन करोगे यहाँ पर आपको सर्च करना है अपनी कैमरा की एप्लीकेशन को। तो कैमरा की ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन। सबसे पहले उसके पहले तो आपको फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए कौन से फॉर्मेट में हमें अपने वीडियोस फोटोज़ को कैप्चर करना है। तो एप्पल आपको दो फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है, हाई एफिशिएंसी और मोस्ट कंपैटिबल। अगर आपके पास एप्पल के और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल के मैकबुक, एप्पल का आईपैड हो गया, इस तरीके के साथ अगर एप्पल के और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो तो आपके लिए हाई एफिशिएंसी का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वरना आप मोस्ट कंपैटिबल यूज़ कर सकते हो अगर आप फोटोज़ को एडिट करते हो फोटोशॉप में, तो आपके लिए मोस्ट कंपैटिबल का ऑप्शन बढ़िया रहेगा। तो इन दोनों को ऑप्शन में से कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके बाद आ जाती है बात अपनी रिकॉर्डिंग की। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें कौन सी ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए अपने डिवाइस में जिसके साथ अपनी जो स्टोरेज है वो भी कम यूज़ हो और साथ में आपको बढ़िया स्टेबल फुटेज भी प्रोवाइड करे आपका डिवाइस। यहाँ पर आपको 4K 60 फ्रेम्स की ऑप्शन प्रोवाइड करता है एप्पल आईफोन 11 के ऊपर। बट अगर आप 4K के ऊपर वीडियो को शूट करोगे तो आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ हो जाता है आपकी वीडियो का। 400 MB आपका जो साइज़ होगा वीडियो का, जिसके साथ आपको स्मूदर वीडियो तो देखने को मिलेगी और हाई रेजोल्यूशन भी देखने को मिलेगी, बट जो आपकी स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कवर करेगा आपका डिवाइस। उसके विपरीत जो ऑप्शन है वो है 1080p HDR 60 फ्रेम्स। ये जो ऑप्शन है आपको एक स्मूदर वीडियो भी प्रोवाइड करती है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी भी होती है वीडियो की, इसीलिए आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग 4K एट 60 फ्रेम्स ऑप्शन, क्योंकि ये 1080p की जो ऑप्शन है आपकी स्टोरेज को भी कम यूज़ करती है और आपको स्मूदर वीडियो भी प्रोवाइड करती है। और साथ में कई बार हमारी वीडियोस में हमें फ्लिकरिंग देखने को मिलती है, जैसे कि अगर मैं कैमरा को ओपन करूं तो यहाँ पर आपको वीडियो में कई बार फ्लिकरिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर जो वीडियो है वो करंटली फ्लिक कर रही है लाइट को। तो अगर आपको अपनी लाइट को करेक्ट करना है, फ्लिकरिंग को करेक्ट करना है, तो शो पाल फॉर्मेट्स को ऑन करो और यहाँ से आपको पाल फॉर्मेट्स की ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करोगे अब आपने वीडियो को ओपन करना है, अब आप देखोगे कि आपकी जो वीडियो है उसमें आपको कोई भी फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप अपने पावर फॉर्मेट्स को यूज़ करके अपने वीडियो में से फ्लिकरिंग को रिमूव कर सकते हो। और साथ में अगर आपका कैमरा स्विच हो जाता है ऑटोमेटिकली तो आप यहाँ से लॉक लगा सकते हो ताकि आपका डिवाइस का कैमरा स्विच ना करे। तो यहाँ पर लॉक वाइट बैलेंस की ऑप्शन को ज़रूर ऑन कर लेना, ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड वीडियो पर जाना है स्लो मोशन पर। तो स्लो मोशन में आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 120 FPS के ऊपर अपनी स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप जोन से भी ऑप्शन आपको पसंद हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ आ जाती हैं प्रिजर्व सेटिंग्स जो कि आपको एक बार ही इनेबल करनी होती हैं, बार बार आपको इन्हें यहाँ पर इनेबल डिसेबल नहीं करना होता है, जिसका मतलब यह है कि जो फिल्टर आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उस फिल्टर को आप परमानेंटली सेट कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो आपको कैमरा मोड को ओपन करना है, क्रिएटिव कंट्रोल्स को इनेबल करना है, साथ में लाइव फ़ोटो को यहाँ से ऑन कर देना है। अगर आपको लाइव फ़ोटो को ऑन रखना है या ऑफ रखना है उसे भी आप प्रिजर्व रख सकते हो। और डेप्थ कंट्रोल यानी कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड में भी अपने डेप्थ को कंट्रोल करना चाहते हो, एक जगह पर प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, तो उसको भी आप इनेबल कर सकते हो। तो ये है कुछ प्रिजर्व सेटिंग्स। उसके बाद आ जाती है बात रिकॉर्ड साउंड की, जो कि स्टीरियो के साथ दोनों स्पीकर्स के साथ आपका डिवाइस रिकॉर्ड करता है। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आपकी वीडियो में आपको स्टीरियो का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो आपको इतनी बढ़िया यहाँ पर आपकी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। साउंड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वीडियो आपकी कैसी होने वाली है, तो इसलिए स्टीरियो साउंड को ज़रूर ऑन कर देना। वॉल्यूम अप फॉर बर्स्ट शॉट आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है ताकि आप वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखो और आपका जो डिवाइस है वो बर्स्ट शॉट को शूट करता रहे बिना रुके। और यहाँ से आप क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो अपने आईफोन के कैमरा में से। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ग्रिड लेवल और मिरर फ्रंट फोटोज़ की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। ये जो ऑप्शंस हैं आपको ज़रूर ऑन करनी है। अगर आप लेवल और ग्रिड को यूज़ करोगे तो आपकी जो फ़ोटोज़ वीडियोस रहने वाली हैं वो काफ़ी स्ट्रेट आप शूट कर पाओगे अपने डिवाइस में से। और साथ में व्यू आउटसाइड द फ्रेम की ऑप्शन को भी इनेबल कर देना, और ये फास्टर शूटिंग को इनेबल करना ना भूलना, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपके डिवाइस को बिना रुके फ़ोटोज़ को शूट करने देता है। साथ में स्मार्ट HDR की ऑप्शन को भी ऑन कर देना। उसके बाद आपको अपने डिवाइस के कैमरा लेंस को क्लीन करना है जब भी आप अपने कैमरा से फोटोज वीडियोस को शूट करने लगे हो। अगर आपके कैमरा के लेंसेज गंदे होंगे, साफ नहीं होंगे, तो आप काफ़ी बढ़िया फोटोज़ को शूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपको ब्लरीनेस का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपकी फ़ोटोज़ में अगर आप अपने कैमरा के लेंसेज को क्लीन नहीं करोगे। तो उसके बाद यहाँ पर जाना है अपनी कैमरा की एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फ़ोटोज़। अब बात आती है फ़िल्टर की, कौन सा फ़िल्टर हमें यूज़ करना चाहिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आपको हमेशा विविड के फ़िल्टर को यूज़ करना चाहिए। विविड का फ़िल्टर हमें काफ़ी बढ़िया कलर्स प्रोवाइड करता है, काफ़ी रिचनेस आ जाती है आपकी फ़ोटोज़ और आपकी वीडियोज़ में। पोर्ट्रेट मोड में भी आपको वही सेम फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर स्वाइप अप करो और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका विविड का फ़िल्टर। तो इस तरीके से आप विविड का फ़िल्टर जो है पोर्ट्रेट मोड में भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर आपके कैमरा में यहाँ पर आपको किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के फोकस चाहिए तो उसको आप लॉक लगा सकते हो। वीडियो में चाहिए, फ़ोटो में चाहिए, वहाँ पर ओपन करो और सिंपली लॉन्ग प्रेस करके रखो और आप अपने ऑब्जेक्ट के फोकस को लॉक लगा सकते हो। अब ये फोकस लॉक हो चुका है। इस तरीके से आप ऑटो फोकस को लॉक लगा सकते हो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग्स हैं जो कि आपको आईफोन 11 पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए 2024 में, अगर आप इस डिवाइस को बाय करने की सोच रहे हो या ऑलरेडी आप इसे यूज़ कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।